हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि वन ऑफ द रेपुटेड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 पे जो एप्लीकेशन से वो इन्वाइटेड है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, जो कि वन ऑफ द रेपुटेड इन लाइक यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस में जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट को यहाँ पे जो है निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर की 9 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की 19 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको हमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और जो एप्लीकेशन है, ये आपको एप्लीकेशन जो है ये आपको फिल करना है ऑनलाइन मोड से, और जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च 2021। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइक इट शुड रीच टू द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग टू रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन बिफोर 22 मार्च। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो लास्ट डेट 12 मार्च 2021 है और जो आपका हार्ड कॉपी पहुँचने का डेट है वो है 22 मार्च 2021। तो आपको इससे पहले जो है आपका हार्ड कॉपी 22 मार्च 2021 से पहले पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि जो नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि कहाँ कहाँ पे या किस कॉलेज में जो कितनी पोस्ट हैं और ये जो वैकेंसीज है वो किस कैटेगरी में, तो यहाँ पे सारा उन्होंने क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में, और जो टोटल पोस्ट है वो 1 है और ये जो पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी में है। तो ऐसे करके आप जिस भी सब्जेक्ट में आप जो है लाइक अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी वैकेंसी में, यानी कि जिस भी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ऐसे देखिए, यहाँ पे और भी कॉलेजेस दे रखे हैं जहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की, तो वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट्स। तो ऐसे करके आप जो है देख सकते हैं कि आप जो है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बाद ही जो है इस फॉर्म को फिलअप करें। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सबके लिए यहाँ पे जो है देखिए इस सेंस ऑफ क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको मिनिमम 10 ईयर्स का जो है यहाँ पे आपका टीचिंग या रिसर्च या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अगर बाकी एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स, पीएचडी डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और मिनिमम आपका यहाँ पे 8 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रिसर्च में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सेपरेट सेपरेट जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो आप अगर इन एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं या आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इनके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या, आपको आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे जो है सारा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपको अपने एसेंशियल और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करने, सेल्फ अटेस्टेड करने और सेंड कर देना है आपको टू द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग सी एस आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 202002 यूपी बिफोर 22 मार्च 2021। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जितने एनेक्जर दे रखे हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो एनेक्जर जो है आपको फिलअप करने योर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है जैसे कि आपका इसेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन या अवार्ड या फेलोशिप या इनोवेशंस या पोलन विजिट फॉर रिसर्च वर्क, ये सारा जो है अपना इसका प्रूफ जो है आप आपको अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और सेंड कर देना है आपको लाइक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में। ठीक है, देखिए आप इन मेंशन कर रखे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के क्या क्या चाहिए, प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि आपको ये रिसिप्ट चाहिए जो कि आपने लाइक फ़ी पे की है, उसका प्रूफ चाहिए आपको, और आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर पर्सनल ऑफिस, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, स्कोर कार्ड, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ इसेंस क्वालिफिकेशन जैसे टेस्टिमोनियल, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, डिग्री ETC, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आपको जो 3 एनेक्जर बोले गए हैं, एनेक्जर 1, 2, 3, वो उसके साथ आपको यहाँ पे सेंड कर देना है।
तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आपको 1500 जो है वो जनरल ओबीसी के लिए है। वहीं अगर बात करें SC ST कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 750 रुपीज़ जो है यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी है। तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू फ़ी पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इन फेवर ऑफ कंट्रोलर CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिक एंड टेक कानपुर, पेएबल है SBI CHAU ब्रांच कानपुर, कोड नंबर G3809। तो इसके लिए आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं इन फेवर ऑफ दिस, एंड देन यू कैन सेंड अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है आपका 22 मार्च है रिसीविंग द एप्लीकेशन, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। और आपको एनवेलप जब भी आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजें, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और जो NHJ 1-2-3 है वो सारा एक एनवेलप में रखें, और एनवेलप में आप अपना क्लियरली मेंशन करें कि आप जो है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप किस डिजिग्नेशन के अप्लाई कर रहे हैं, या आप जो है किस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप वो क्लियरली मेंशन करें, ताकि जो भी या वहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं उन्हें आसानी हो शॉर्टलिस्ट करने में। ठीक है, तो देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपके बात कर रहा था, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट आउट लीजिए, उसको फिलअप करिए। ठीक है, देखिए आप पूरा क्लियरली दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे सारा जो भी चीज़ आपको दे रखा है, जैसे एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, या अवार्ड या रिकॉग्निशन फेलोशिप या रिसीव जो भी आपके पास है, या टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस है वो, और जो गाइडिंग ऑफ स्टूडेंट चाहे मास्टर या PhD, वो भी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन हो जो भी चीज़ हो, आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना पूरा फिलअप करके जो है आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो आप स्क्रॉल डाउन करके जो है आप देख सकते हैं आपको क्या क्या जो मार्क्स है वो सब आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, तो इस पैरामीटर्स के बेस पे जो है आपको मार्क्स मिलेगा, और उस मार्क्स के बाद आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका जो है आता है, तो अब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब API इंडेक्स के बेस पे ही होगा सिलेक्शन आपका। ठीक है, तो देखिए ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अगर आप मुझको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए एक और हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि आया है MNR डिग्री कॉलेज, डिग्री एंड PG कॉलेज से। तो यहाँ पे देखिए वांटेड लेक्चरर्स फॉर, देखिए यहाँ पे वांटेड लेक्चरर्स, तो देखिए यहाँ पे आपको बोले MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc फिजिकल केमिस्ट्री, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, MSc मैथमेटिक्स, MA Comm एंड MA इंग्लिश। तो इन सबको जो है अगर आपके पास PG डिग्री इन सब्जेक्ट्स में, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा एज पर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और जो सैलरी आपको दी जाएगी वो एज पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेस पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना जो लाइक फॉर्म है उसे आपको जो है लाइक CV है उसे सेंड कर देना है, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू MNRPGcourses@gmail.com पे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।